बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्ला। कराची इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक ने पाकिस्तान में खेले जाने वाले टेस्ट मैचेस की फीस सैलाब मुतासरीन के लिए देने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर दौरे पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू में उन्होंने अपने मैच फीस पाकिस्तान फ्लड अपील में देने का ऐलान किया। अपने तासरात शेयर करते हुए इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना था कि यादगार सीरीज के लिए पाकिस्तान आना इनके लिए बायस एजाज है। इनका मजीद कहना था कि 17 साल बाद बतौर टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में खेलना ऐसा दिलचस्प भी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंग्लिश टीम के कप्तान के इकदाम को सराहते हुए इसे हमदर्दी की आला मिसाल करार दिया। ट्विटर में अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किलात में फंसे अफराद की मदद सबसे बड़ी खिदमत है। इनका कहना था कि इंग्लिश टीम के कप्तान का ये एकदम बरतानवी आला इकतदार की मिसाल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान शुरू होने वाले 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से होगा। टेस्ट सीरीज के पहले मैच का इनेकाद रावलपिंडी, दूसरे का मुल्तान और तीसरा कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बेन स्टोक का कहना था कि इस साल के शुरू में पाकिस्तान को तबाह करने वाले सैलाब को देखकर बहुत दुख हुआ और सैलाब के मुल्क और आवाम पर खास असरात मुरतब हुए। उन्होंने कहा कि खेल ने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं सिर्फ यही हक समझता हूं कि क्रिकेट से बालातर होकर कुछ वापस दूं। कहा कि उम्मीद है कि ये अतिया पाकिस्तान के सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों की तमीर नाव में मदद करेगा। बेन स्टोक ने कहा कि तारीखी सीरीज के सिलसिले में पहली मर्तबा पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होने पर बहुत खुश हूं। उन्होंने मजीद कहा कि खेलने और स्पोर्ट ग्रुप के दरमियान जिम्मेदारी का एहसास है और यहां होना खास बात है। और लास्ट में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी ऐन नवाज़े, शुक्रिया, वस्सलाम।